दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के आज वीकेंड के वार एपिसोड के दौरान हमें घर के अंदर बेहद ही ज्यादा झगड़े देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इतने झगड़े तो हमें सलमान खान जब सामने होते हैं तब भी घर वालों के बीच में नहीं देखने को मिलते, लेकिन आज सलमान खान तो वीकेंड के वार एपिसोड के दौरान दिखेंगे नहीं, लेकिन कृष्णा अभिषेक के सामने घर के सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे के साथ जबरदस्त तरीके से झगड़ते हुए नजर आने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर कृष्णा अभिषेक घर वालों को लड़ाई वाले मुद्दे पर बात करेंगे, जहाँ पर जिया शंकर और पूजा भट्ट के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसमें फलक ने जो रोल निभाया था अपना, दोनों को इग्नोर करते हुए इस झगड़े में अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, किसी को भी चुप नहीं करवाया, ना अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लिया, इस मुद्दे पर यहाँ पर बातचीत होगी। और उस दौरान कहीं ना कहीं घर वालों से पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है, क्या फलक अपने वादे पर खरी उतरी है या नहीं उतरी। इस दौरान ज़्यादातर कंटेस्टेंट कहेंगे कि हमारे अनुसार तो ये बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है, और कुछ ऐसा ही यहाँ पर फुकरा इंसान कहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फुकरा इंसान की स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं पूजा भट्ट को काफी ज्यादा जलन सी महसूस होने वाली है, जिसके चलते यहाँ पर पूजा भट्ट और फुकरा इंसान के बीच में काफी बड़ा झगड़ा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पूजा भट्ट कहेगी कि तेरी तो आदत है लड़कियों के बीच में आकर चिल्लाने की, तू तो जब दो लड़कियां आपस में लड़ती रहती है उनके बीच में भी आकर चिल्लाने लगता है, फलक का वैसा नहीं है। इस दौरान दोस्तों, यहाँ पर फुकरा इंसान कहेंगे कि मेरा मुंह है, मैं कुछ भी बोलूं, मैं अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेता हूं, आपकी तरह चुप नहीं बैठा रहता, देखते नहीं रहता कि दोस्त मुसीबत में है उसके लिए स्टैंड ना लो। और इस दौरान दोस्तों, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में काफी बड़ी तकरार हमें देखने को मिलने वाली है। कुल मिलाकर आज का ये एपिसोड काफी धमाकेदार होगा। आप इस धमाकेदार सीन को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।